हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है वह आपकी फैकल्टी की है, जिसमें आपका प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर की जो वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यह आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके मैं जानकारी दे दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो और अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड, यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये फ्रेंड आपको ये 9 पेज का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर से है। यहाँ पे आपको देखो रेफरेंस नंबर देखने मिल जाएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए इन वेरियस डिपार्टमेंट एम्स गोरखपुर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट भर्ती हो रही है, यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आप दे सकते हैं, इनकी लिस्ट है। टोटल यहाँ पे आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी है, इसका चार्ट है पूरा आप देख सकते हैं पहले पर। दूसरे पे हमारे देख सकते हैं, ये हमारे बता रखा है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते कट ऑफ डेट डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिलेक्शन रहेगा, 1 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर SC/ST कैंडिडेट फैकल्टी सिलेक्शन विल बी गिवन एज पर सर रूल, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन का आपका दे रखा है, एसेंशियल मेडिकल कैंडिडेट के लिए मेडिकल क्वालिफाई आपका इंक्लूडिंग इन 1 या 2 शेड्यूल या सेकेंड पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए MD या MS में और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए देयर इन टू रेस्पेक्टेड डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में, और यहाँ पे एंड और दे रखा है दोनों में मान सकते हैं, MCH फॉर सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट और DM फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट, 2 या 3 या 5 साल का रिकॉग्नाइज कोर्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिकॉग्नाइज इक्वलेंट इन देयर टू, ठीक है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर 14 साल का टीचिंग या आपका होना चाहिए, साथ में रिसर्च आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, ठीक है, आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑप्टेन क्वालिफाइड डिग्री MD या MS होना चाहिए, या आप देख सकते हैं 12 ईयर का आपका होना चाहिए आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आपका MCH या DM 2 या 5 साल का होना चाहिए आपका MBBS करने के बाद, ठीक है। या आप देख सकते हैं 11 साल का टीचिंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टीट्यूट आपका दे सकते हैं, या आपका होने कैंडिडेट प्रोसेसिंग आपका 3 ईयर डिग्री जिसमें आप DM MCH होना चाहिए रेस्पेक्टिव एसेंशियल देकर नॉन मेडिकल कैंडिडेट के पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री डिसिप्लिन एलाइड सब्जेक्ट डॉक्टरेट डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पे कंसर्न डिसिप्लिन, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे 14 ईयर का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना रिक्वायरमेंट है या आप दे या रिसर्च में होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर आफ्टर आपका ऑप्टेनिंग डॉक्टरेट डिग्री। एडिशनल प्रोफेसर की बात करें यहाँ पे आपका पहला 2 सेम रखा गया है जो कि मेडिकल का है। एक्सपीरियंस की बात करें 10 ईयर आपका टीचिंग होना चाहिए जिसमें आप दे सकते हैं, और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सब्जेक्ट स्पेशली आफ्टर ऑप्टेनिंग क्वालिफाइड डिग्री ऑफ MD या MS होना चाहिए। एसेंशियल की बात करें सुपर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन सेम एज प्रोफेशनल मेडिकल, DA मैंने आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन दे रखा है जिसमें मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट और MCH रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन और सब्जेक्ट आप दे सकते हैं जिसमें 2 या 3 5 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस की 8 साल का टीचिंग या आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस के यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आफ्टर आपका डॉक्टर डिग्री के बाद। 1 और 2 में आप बता देता हूँ, 1 और 2 इन दोनों की इससे रिलेटिव बात की जा रही है, ठीक है। इससे अब बात करते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर की, यहाँ पे 1 और 2 सेम दे रखे एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखें 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में या आप देखते हैं रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या आपका होना चाहिए इसमें आफ्टर ऑब्टेनिंग आपका होना चाहिए MD या MS होना चाहिए, ठीक है।
डिसिप्लिन की, सेम आपका जो कि एज ए प्रोफेसर मेडिकल डीएम इन आपका दे सकते हैं सुपर आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जिसमें आपका सेम दे रखा है जैसा कि ऊपर था, ठीक है एक बार बता, एमसीएच इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट सर्जी सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट 2, 3 या 5 साल का होना चाहिए, ठीक है रिकॉग्नाइज कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस के 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका टीचर या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आफ्टर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइड डिग्री डीएम एमसीएच का 2 या 5 साल का होना चाहिए, या आप देख सकते 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है सब्जेक्ट स्पेशलिटी कैंडिडेट 3 ईयर रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ डीएम, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगाया गया है आफ्टर ऑब्टेनिंग आपका डॉक्टरेट डिग्री। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें पहला दूसरा सेम है, 3 साल का आपके टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम आफ्टर आपका देखिए एमडीएस और एमएस के बाद। एसेंशियल आपका देखिए सेम एज प्रोफेसर, डीएम आपका सेम दे रखा है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, 1 आपका साल कटता गया, बाकी सब चीज सेम है। एसेंशियल नॉन मेडिकल आपका कैंडिडेट का सेम रखा गया है, 3 साल का आपका टीचिंग और आपका एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्टरेट डिग्री। ठीक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए, एंटोलॉजी एमएससी ह्यूमन एंटोलॉजी साइकोलॉजी एमएससी मेडिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एमएससी मेडिकल फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी से, ठीक है डॉक्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको जनरल कंडीशन ऑल आपको द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस, यहाँ पे जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिमिलर स्टेटस। ठीक है यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड से ही होगा। ठीक है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है तो ये इसकी लास्ट डेट जब होगी, जब मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 30 दिन की आपके आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में आने के बाद। ठीक है यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी दे रखी है टेक्निकल क्वारी की कोई रिलेटेड जानकारी के लिए। प्रोफेशनल की सैलरी 37 से 67, बाकी आप देखते हैं एडिशनल की 37-60 और आपके ग्रेड पे यहाँ पे देख रहे हैं उसका प्रोफेसर 10,000 इसका 9,500। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की 37 से लेकर 67 9,000 आपका आपका ग्रेड पे रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की 8,000 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है आपको एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका चार्ट दे रखा है। ठीक है एप्लीकेशन फीस की बात करें 3,000 रुपये रहेगा, जो यहाँ पे आप देखते हैं एस सी एस टी वुमेन पर्सनल फिजिकल डिसेबिलिटी 200 रुपये, और यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट ऑनली आपका पेमेंट जो करना होगा आपको पीएम गेटवे पे आपको करना होगा ऑनलाइन मोड से। ठीक है इंटरव्यू भी आपका हेल्ड किया जाएगा एम्स गोरखपुर, एनी प्लेसमेंट डिसाइड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू भी जाना है। ठीक है मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ उसके बारे में। क्लेरिफिकेशन क्वारी के लिए आप ये देख सकते हैं ईमेल आईडी फोन नंबर आपको दे रखा है। ठीक है तो फ्रेंड यह थी आपकी जो जानकारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की वैकेंसी के बारे में, इसकी नोटिफिकेशन की सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो फ्रेंड यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। फ्रेंड जैसे इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक के बारे में अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की जानकारी दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।